हमारे घर में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो ये नंबर लिखा रहता है इनका क्या मतलब होता है? और आप सबने रोड में कभी कभी ऐसा टाइप का स्टोन देखा होगा, तो ये क्यों होता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों आते हैं? और जो फूड पैकेट्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए ऐसा फूड पैकेट है, उसके ऊपर ऐसा शेप टाइप का क्यों आता है? और एक वुमेन शर्ट और मन शर्ट को कैसे पहचाने, जानने के लिए बने रहना वीडियो में। नंबर 15, आप सब अक्सर कोई सी चीज खरीदते हैं या कोई सा पैकेट मंगवाते हैं तो आप ऐसा टाइप का कुछ देखते हैं उन पैकेट्स में, तो उनका काम क्या होता है? एक्चुअली ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं इसका नाम होता है सिलिका जेल। और ये जो चीज़ होती है जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं या मंगवा रहे हैं तो उसमें नमी ना बैठ जाए और जंग ना लगे, इसलिए वो सिलिका जेल दिया जाता है। और इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है पैकेट्स के ऊपर, वो पैकेट ख़राब ना होके इसीलिए वो सिलिका जेल दिया जाता है जब प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। इसका उपयोग हम नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं। नंबर 14, अक्सर लोग भुला जाते हैं कि हमारा लेफ्ट और राइट सॉक्स कौन सा था। जी फ्रेंड्स, अक्सर लोगों के साथ होता है कि हमारा राइट मोजा कौन सा था और लेफ्ट मोजा कौन सा था। नंबर 13, आप सबने अक्सर लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे ज़्यादा ही कीड़े मकोड़े परेशान करते हैं, इंसेक्ट्स, तो उनको एक ट्रिक बताना मेरी तरफ से। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डार्क कलर पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो नॉर्मल कलर्स होते हैं उन पर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लैक शर्ट पहन रखे हैं तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मॉस्किटोज, और वहीं आप एकदम लाइट वेट कलर पहनते हैं तो आप पे मॉस्किटोज कम अट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए जो रात का समय होता है वो तो एकदम डार्केस्ट कलर हो जाता है, डार्क, तो इसलिए मॉस्किटोज ज़्यादा आते हैं इंसेक्ट्स। तो जो दिन का समय होता है उसमें मॉस्किटोज को लाइट वेट कलर्स दिखते हैं, और जब रात का टाइम हो जाता है तो हर चीज़ एकदम डार्क दिखती है, इसलिए ज़्यादातर मॉस्किटोज रात में आते हैं। इसलिए लाइट वेट कपड़ा पहनेंगे तो मॉस्किटोज नहीं आएंगे। नंबर 12, अक्सर लोगों का जब हाथ से सामान छूट जाता है या गिर जाता है तो जो लोग होते हैं वो अपने पैर की उंगली को फोल्ड करके उस सामान को उठाते हैं। आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं, ऐसा टाइप का करके लोग ज़्यादा अपने सामान को उठाते हैं जब गिर जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा लेजी हैबिट माना जाता है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके लेजीनेस का भी कारण बन सकता है। नंबर 11, इमेजिन करो कि यहाँ पे दो आदमी हैं, एक आदमी से कुछ कह रहा है बट वो उसके बात को सुना नहीं, बट वो समझ गया कि कुछ कह रहा है। तो अब वो जो आदमी है उसने कुछ कहा, वो हंसने वाला एक्सप्रेशन दिया, और ये जो आदमी था उसने तो सुना नहीं बट उसको तो बताना है कि मैं सुन चुका हूँ। अक्सर लोग जो है फेस देख लेते हैं कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है बोलने पे, और वही रिएक्शन अपना भी देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं सुने तो बोल देना चाहिए कि हाँ सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। अक्सर लोग सुनते नहीं हैं और उस आदमी का चेहरे का रिएक्शन देख के वो भी अपना रिएक्शन देते हैं, और ये ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। नंबर 10, आप सबने अक्सर कॉटन कैंडी को देखा होगा, कॉटन कैंडी जो बच्चों के लिए ज़्यादा फेमस है। जो कॉटन कैंडी है उसमें चीनी मिलाया जाता है, शुगर, तो जो चीनी है उसे डॉक्टर तो मना करेंगे बच्चों के लिए ये ज़्यादा ना खिलाइए बच्चों को, बट ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है कि जो कॉटन कैंडी है उसी का इन्वेंशन एक डॉक्टर ने किया था। डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन और कैंडी मेकर जॉन्स सी वार्स्टन ने मिलकर कॉटन कैंडी को बनाया था, गजब। नंबर 9, आप सबने अक्सर मेडिसिन के ऊपर ऐसा लाइंस को देखा होगा, ये मेडिसिन है उसके ऊपर ऐसे लाइन देखा होगा, तो उसका मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली जो डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभी पेशेंट आते हैं, तो कभी कभी जो पेशेंट होते हैं ना उनमें किसी को 1000 mg की दवाई देना पड़ता है तो किसी को 500 mg की। जैसे कोई बड़ा आदमी है तो उसको 1000 mg देना पड़ेगा, जो छोटा है उसे 500 mg। तो जो दवाई में लाइन होती है वो दवाई को आधा करने में मदद करता है, जिसमें 500 mg अलग और 500 mg अलग। तो किसी को 500 mg खाना हो तो 500 mg खा सकता है, और जिसको 1000 mg खाना हो पूरा गोली खा सकता है, इसलिए दवाइयों में ये लाइन दिया जाता है। नंबर 8, आप सबने अक्सर कंप्यूटर के माउस को देखा होगा, कंप्यूटर माउस। तो जो माउस है मतलब ये किस चीज़ को देख के बनाया गया माउस? तो अक्सर लोग कहेंगे चूहे को देख के ये माउस बनाया गया है, बट एक्चुअली में जो ये माउस है वो कछुए को देख के बनाया गया था। पहले टाइम में जब माउस बनाया गया
तक कछुए के हिसाब से इसको बनाया गया। ऊपर का सरफेस हार्ड, नीचे का सॉफ्ट कि चल सके। चूहा होता तो पैर वैर होते नहीं, बट एक कछुआ था तो कछुए के शेप का माउस बनाया है। बट लोग धीरे धीरे करते करते रैट जो होते चूहे उनका नाम माउस रख दिए, और धीरे धीरे करते करते जो माउस थे कंप्यूटर के उन्हें चूहे का शेप देने लग गए, और आज माउस चूहा हो गया है। नंबर 7, आप सब अक्सर जो कैन में लॉक देखते हैं वो अक्सर लोग जो है तोड़ के फेंक देते हैं, ऑफिस में स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। बट एक्चुअली में कंपनी उसको एक पर्पस से देती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो कैन को आप खोल के आप उसे टेढ़ा करके फिर उसमें स्ट्रॉ डाल सकते हैं उसके छेद में, इसलिए वो कैन में लॉक दिया जाता है कि उसमें स्ट्रॉ डाल के आप स्ट्रॉ हिलेगा नहीं, इसलिए वो लॉक में होल दिया जाता है। नंबर 6, आप सब ने अक्सर जीन्स में ऐसा टाइप का डॉट टाइप का लोहा का टाइप का देखा होगा, तो ये अक्सर होता किस लिए है? अक्सर लोग कहते हैं कि डिज़ाइन के लिए होता है, कंपनी डिज़ाइन के लिए प्रेफर करती है, बट नहीं, ये एक मेन पर्पस रोल करता है जीन्स के ऊपर। जो जीन्स होते हैं वो फट ना जाए जल्दी से, लंबे समय तक चले, इसलिए जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कंपनी इस टाइप का दे देती है कि वो ना फटे जल्दी से, जीन्स की मजबूती बनी रहे। नंबर 5, मेडिसिन के जो पैकेट्स होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पैकेट, उसके ऊपर ये रेड लाइन का क्या मतलब है? रेड लाइन ये क्यों दिया गया है? अब लोग इसे देख के कहेंगे कि ये तो डिज़ाइन के लिए कंपनी देती है अपने अपने डिज़ाइन के लिए, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है मेडिसिन के ऊपर। जो ये लाइन्स होती हैं रेड लाइन, वो प्रेफर करती हैं कि आप इस दवाई को डॉक्टर के सलाह के बिना ना खाएं। सब दवाई डॉक्टर से पूछ के खाना चाहिए, बट जो रेड लाइन वाली दवाई होती हैं इन्हें तो डॉक्टर से ही पूछ के खाना चाहिए, ऐसे ही मेडिकल्स पे जाके पूछ के नहीं ले लेना चाहिए, जब डॉक्टर्स कहे तभी दवाई को लेना चाहिए। नंबर 4, आप सबने अक्सर रूट्स में ऐसा टाइप का स्टोन देखा होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन। तो एक्चुअली में ये किस लिए होते हैं, रूट्स पे किस लिए होते हैं? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं एज अ रूट के ऊपर। जब ये ब्लैक कलर का स्टोन देखते हैं वो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारे नॉर्मल सिटीज में रोड होते हैं उनमें होता है ब्लैक कलर का स्टोन, और जो ग्रीन कलर का स्टोन होता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट हाईवे में चला जाता है, और जो येलो टाइप का स्टोन होता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे में चला जाता है रोड, जहाँ पे येलो टाइप का होता है। नंबर 3, खाने के पैकेट में आप सब अक्सर ये स्क्वायर टाइप के अंदर सर्कल टाइप का देखते हैं, और ये ग्रीन एंड ब्राउन में आता है, तो ये एक्चुअली में किस लिए होता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं एज अ पैकेट के ऊपर, खाने के पैकेट के ऊपर। जो ग्रीन कलर का डॉट होता है इसका मतलब होता है कि ये खाना जो है, जो पैकेट है वो वेज है, वो फूड वेज है, और जिसमें ब्राउन होता है वो नॉन वेज होता है। मतलब ग्रीन जो होगा वो वेज फूड होगा, और जो ब्राउन होगा वो नॉन वेज फूड होगा। ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम वाला फैक्ट है। नंबर 2, आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप एक वुमेन शर्ट और एक मैन शर्ट को पहचान सकते हैं। आप स्क्रीन पर पिक्चर देख सकते हैं, जो मैन शर्ट होता है उसके राइट हैंड साइड में बटन्स होते हैं, और जो वुमेन होती है उनके लेफ्ट हैंड साइड में बटन होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ट्रिक आप अपना के एक वुमेन शर्ट एक मैन शर्ट को पहचान सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है आपके लिए। नंबर 1, आप सबने अक्सर जो LPG गैस आपके घर में आते हैं उनमें इस नंबर को नोटिस किया होगा, तो जो एक्चुअली में वो नंबर किस लिए होते हैं, उन नंबर्स का काम क्या होता है? एक्चुअली जो लोग होते हैं उन्हें नोटिस करते हैं, बट नोटिस करके भी अननोटिस कर देते हैं। तो जो नंबर होता है एक्चुअली में जो नंबर है वो एक्सपायरी डेट होता है सिलेंडर के लिए, और ये कोई बच्चा भी समझ जाएगा, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ABCD, जो ABCD है, ए का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब अप्रैल मई जून, सी का मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, और डी का मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये ABCD का मतलब। और जो 13 है तो 2013 साल, तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं B13, इसका मतलब जून 2013 तक इसका एक्सपायरी डेट है। ये फैक्ट आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, और ये सबको पता होना चाहिए सिलेंडर्स के लिए, और ये फैक्ट सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये लोगों के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करना,
और वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए, और बेल आइकन नीचे जो है उसे ऑन कर लेना कि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक मिलते हैं आप सबको अगली नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।